मेरा नाम सुनोबा पार्टी वाला है, मैं एक स्टंट वुमन हूँ और मैं पिछले 20 साल से स्टंट परफॉर्म कर रही हूँ। आज तक डर तो नहीं लगा है, अगर डर लगता होगा या कभी भी इन फ्यूचर डर लगेगा भी तो मैं वो स्टंट नहीं करूंगी फॉर श्योर। फैमिली यूज्ड टू बी वेरी सपोर्टिव, ऑब्वियसली दे लव मी, इसलिए उनको डर तो लगता ही था, बट एट द सेम टाइम दे वर वेरी सपोर्टिव बिकॉज दे रियलाइज कि इस चीज में मेरा टैलेंट है और मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए, तो दे वर वेरी सपोर्टिव ऑफ द सेम ऑल्सो। काफी सारी फिल्मों के स्टंट्स मुश्किल रहे हैं। मुझे जब तक है जान का अभी भी सीक्वेंस याद है जब हम पैंगोंग लेक पे शूट कर रहे थे एंड वहाँ टेम्परेचर इज सब जीरो टेम्परेचर, तो उसमें आप एक बिकिनी पहन के पैंगोंग लेक में डाइव कर रहे हो एंड पैंगोंग लेक का टेम्परेचर इज ऑल्सो नॉट अ नाइस वार्म लेक, नहीं इट इज इक्वल टू सब जीरो, इट इज टफ। और उसे एक बार जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसे एक ही बार नहीं परफॉर्म करना होता है, उसे काफी बार रीटेक होता है, तो इमेजिन इन दैट 2 degree टेम्परेचर ऑल्सो जब आप रीटेक के लिए वापस जा रहे हो, वापस स्टैंड कर रहे हो और आपको उतने ही फोर्स और उतने ही एंथुसियाज्म, जेस्ट और बॉडी लैंग्वेज आपकी मेंटेन करनी है जो आपने फर्स्ट टेक में की है, वेदर यू आर टायर्ड, वेदर यू आर कोल्ड, वेदर यू आर शिवरिंग, यू हैव टू लर्न टू कंट्रोल इट, सो दैट इज उसमें माइंड ओवर बॉडी बहुत काम करता है। अंडर वाटर स्टंट्स आर वेरी चैलेंजिंग, अंडर वाटर स्टंट्स में भी बहुत बार क्या होता है व्हेन यू आर स्विमिंग, जब आप स्विमिंग करते हो तो आप गॉगल्स पहन के स्विम करते हो तो आपको नीचे का दिखाई देता है, जब आप स्टंट्स परफॉर्म करते हो तो देयर आर नो अंडर वाटर गॉगल्स, आप डाइव कर रहे होते हो विद अ लॉट ऑफ वेट्स ऑन योर बॉडी, जिसमें अगर कोई सिंकिंग शॉट है, फॉर एग्जाम्पल एक सिंकिंग शॉट था जिसमें आपके हैंड्स एंड लेग्स टाइड है एंड यू आर सिंकिंग डाउन, नाउ वंस यू आर सिंकिंग डाउन हमारा बॉडी सिंक होने के लिए बना नहीं गया है, सो मैक्सिमम आप 2 या 3 feet ही सिंक करोगे, उससे ज्यादा सिंक नहीं होता हमारा बॉडी, तो उसके लिए हमें वेट बेल्ट पहनने होते हैं, स्पेशली जो हम स्क्यूबा डाइविंग में यूज करते हैं, सो वेट बेल्ट को आप अपने कॉस्ट्यूम के नीचे पहना हुआ है आपने। Now, weight belts are designed to help you sink. आप sink तो हो गए, now how will you come up? So, 20 feet नीचे, camera यहाँ है, this is the water level, यहाँ से आप sink हो रहे हो, through the camera and cut, पर यहाँ cut होने के बाद, you can't swim up there. Why? Because you're wearing weight belts. You're wearing heavy weight belts. तो weight belt का काम ही आपको sink करने का, और अगर आप weight belt निकालना नहीं चाहो, तो you've worn it costume के अंदर, तो इतना टाइम इतना मोमेंटम नहीं रहता एंड प्लस 20 फीट पानी के अंदर विदाउट योर गॉगल्स यू आर ब्लाइंड। बड़े से बड़े स्टंट में आपको कुछ नहीं होगा पर एक छोटे से छोटे जंप में आपका पैर टूट सकता है हल्की सी लापरवाही की वजह से, सो इफ यू टेक इट फॉर ग्रांटेड या कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो तभी भी आपको बहुत गहरी चोट आ सकती है विच कैन बी करियर चेंजिंग। वेल वन तो ये चॉपर का स्टंट जो मैंने आपको बताया था, फिर दूसरा ये रावण मूवी में मैंने जंप किया था, सो दैट वाज तकरीबन अराउंड 250 feet, शी जंप्स फ्रॉम द वॉटरफॉल्स, लेकिन वो वॉटरफॉल से जब वो जंप करती है तो वो कूदने के बाद वो मरती नहीं है, वो बच जाती है। अब कैसे बचती है इतनी हाइट पे से गिर, इतनी हाइट पे से जब आप जंप करते हो तो आपके सर्वाइवल चांसेस बहुत कम होते हैं, तो मूवी में उन्होंने ये दिखाया था कि वो इतने हाइट पे भी जंप करके बच जाती है, पर वो कैसे बचती है, वो इसलिए बचती है बिकॉज वो सीधा पहले एक पेड़ की दहली से टकराती है, पेड़ की दहली से फिर वो दूसरी दहली पे, तीसरी दहली पे, फिर रॉक पे, फिर वापस पेड़ पे,
फिर वापस रोकते हैं, तो वो चीज जो उसका टकराना होता है इन मल्टीपल चीजों से, वो उसका फॉल सस्पेंड करती है, कुशन करती है, और फिर फाइनली जाके वो रिवर में गिरती है. जितने भी एक्टर्स को एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, इवन ऋतिक रोशन, ही इज एक्सट्रीमली डाउन टू अर्थ एंड अ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन. इनफैक्ट बहुत लोग तो शक की नजर से भी देखते हैं कि भाई इतनी दुबली पतली है तो ये स्टंट कर लेगी क्या. सो यस, दीज थिंग्स तो हैपन. ठीक है, परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो दे बिकम ह्यूज फैंस. वेल, आई रियली बिलीव के जो भी इंसान स्टंट्स की प्रोफेशन में है या हाई रिस्क प्रोफेशन में है, नॉट जस्ट स्टंट्स, एनी हाई रिस्क प्रोफेशन में अगर कोई भी इंसान है तो उसे एक बैकअप में अपना एक दूसरा प्रोफेशन रखना ही चाहिए. दिस इज व्हाट आई बिलीव इन. मेरी फैमिली प्रिटी एक्साइटेड होती है, जितनी भी मूवीज मैंने की है हम हमेशा साथ में बैठ के देखते हैं, एंड मेरी फैमिली प्रिटी एक्साइटेड होती है हमेशा टू यू नो के अरे अब सीन आएगा, अब सीन आएगा, अब सीन आएगा. वो पूरी मूवी में वेट करते हैं मेरा सीन होने के लिए, और जब मेरा सीन होता है तो अपने बाजू वाले को, जिसको वो जानते भी नहीं है, उसको भी बोलते ये मेरी बेटी है. कभी कभी बोलना पड़ता है अरे बस करो, उसको क्या लेना देना है, आप देखो ना.